हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे कि बिजली के बिल बचाने के क्या क्या तरीके हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको हम चेंज करके अपना बिजली का बिल और पैसे बचा सकते हैं। घर के बजट में बिजली का बिल अहम माना जाता है। ठंड में गीजर, हीटर और कई तरह के इक्विपमेंट बिजली बिल को बढ़ाते हैं। कुछ बदलाव करके हम बिजली बिल को कम कर सकते हैं और जो अपने खर्चों को है वो उसमें कटौती कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी थिंग है, पहला है स्टैंड बाय मोड। जी हाँ, कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को चाहे वो हम माने तो आजकल हीटर भी रिमोट के आने लगे, एसी सर्दियों में चलते नहीं, और प्लस अगर माने टीवी हो गया या बाकी इक्विपमेंट हो गए तो रिमोट से ऑन ऑफ होते हैं। हालांकि जो मेन स्विच बोर्ड होते हैं उसमें बटन के थ्रू भी होते हैं, लेकिन जो आदत हो गई है कि रिमोट से बंद करके हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें भी जो बिजली का यूज़ होता है, अगर आप कोशिश करके रिमोट की बजाय अगर आप मेन स्विच या जो भी पावर जो इनका प्लग होता है वहाँ से आप प्लग निकाल दें या बटन बंद कर दें तो आप उससे भी कुछ बिजली बचा सकते हैं। सेकेंड है स्टार रेटिंग प्रोडक्ट। आप ऐसे प्रोडक्ट बाय करो जिनमें जो अच्छी रेटिंग वाले प्रोडक्ट हो, जिनको अच्छी रेटिंग बाई कंपनी या जो भी अथॉरिटी ने उन्हें प्रोवाइड की हो, उनसे बिजली की बचत आप कर सकते हो। थर्ड है टेम्परेचर। जी हाँ, कि जब भी आप एसी या कुछ ऐसी चीज़ें चलाते हो तो कोशिश ये करें कि एक फिक्स आप टेम्परेचर रखें। बार बार चेंज करने से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी या उस पर कहें तो बिजली पर दबाव पड़ता है और उस कारण आपका बिल बढ़ सकता है। अगर आप चाहो तो एक फिक्स आप रख सकते हो, जैसे कई बार एसी में 24 या कई 30 करके छोड़ देते हैं, तो उससे आपकी जो फिक्स हो जाती है और आपके जो मीटर पे कहे तो उस पर ज़्यादा प्रेशर या लोड नहीं पड़ता। फिर है बंद चीज़ें। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं या यूज़ नहीं है तो कोशिश करें कि उन उपकरणों को बंद कर दें जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, तो इससे जो बिजली बिल है आपका कम हो सकता है। तो ये थी बेसिक डिटेल। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।